आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह घर पर बैठे धरने पर, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी आवास में धरना देंगे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होगा। तो बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन शुरू होगा 3 बजे से, लिहाजा इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन होने वाला है उसकी क्या खासियत रहने वाली है, कौन कौन इसमें मौजूद होगा? देखिए, धरना शुरू हो चुका है और कल जिस तरीके से बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, 5 अलग अलग बिंदुओं को लेकर लगभग विषय वही है और उन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में धरने पर बैठ चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने घरों पर ही धरना दे रहे हैं और घरों पर धरने देने के पीछे का असल कारण यह है कि लॉकडाउन चल रहा है, धारा 144 लागू है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और लॉकडाउन के बीच देश में छत्तीसगढ़ भाजपा का ये पहला राजनीतिक प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन है, मजदूरों की आवाज बीजेपी उठाना चाह रही है इस प्रदर्शन के जरिए। साथ ही साथ जो धान खरीदी का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, जो टोकन जारी कर दिया गया था लेकिन धान की खरीदी नहीं हुई है, ऐसे विषयों को भी इस प्रदर्शन में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सौदान सिंह की मौजूदगी है, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय की मौजूदगी है। और न केवल ये तमाम नेता यहाँ धरने में शामिल है बल्कि जिस तरीके से हमने कहा कि जितने भी बड़े संगठन के नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो धरना का विषय है, गंगा जल की झूठी कसम खाकर वादा खिलाफी नहीं चलेगी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के जरिए ये वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी होगी। डॉक्टर साहब, किन विषयों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं आप? धरना का मूल विषय जो हमने कल महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में उन बातों का जिक्र स्पष्ट रूप से किया था कि हम इस सरकार से, जो निर्लज सरकार है, निर्दयी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, ये सरकार गरीब मजदूरों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो पैदल चल चल के आज सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, कोई कदम उठाने में लगातार 50 दिन के बाद भी असफल रही है। हमने कहा कोई कार्ययोजना हो तो बताएं, विपक्ष को विश्वास मिले और उन मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया डालें। जो मूल विषय है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आज तक उनके खाते में पैसा नहीं डाले गए और उसके साथ ही साथ शराबबंदी की घोषणा कांग्रेस ने की थी, शराबबंदी करने की बात और घोषणा की थी, मगर 1.5 साल होने के बाद भी न शराबबंदी है, घर पहुंच सेवा प्रारंभ की गई है। हम इस बात का विरोध करते हैं, किसानों के 2 साल के जो बोनस की राशि, 2 साल की बोनस की राशि अप्राप्त है, किसानों को उनको डिफरेंस की राशि जो धान खरीदी 2500 में किया था वो अप्राप्त है, उसकी राशि तत्काल उनके खाते में जमा करें। इन मूल विषयों को लेकर हम धरने पर बैठे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि देश में पहला राजनीतिक प्रदर्शन पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर रही है, आज तो धरना आप लोगों ने अपने अपने घरों में दिया है, आने वाले दिनों में क्या यह मुद्दा सड़कों पर पार्टी उठाएगी, क्योंकि लॉकडाउन लगता है कि लंबे समय तक बढ़ने वाला है? नहीं, इसका स्वरूप हमने बनाया है कि लॉकडाउन के नियम के अंदर रह के पूरे प्रदेश व्यापी एक प्रयोग कर रहे हैं कि विरोध प्रकट करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है और अनुमति लेकर हम कर रहे हैं। हम सबने मिलकर ठाना है कि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को लगातार उठाते रहेंगे, हर फोरम में उठाते रहेंगे और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा व्यापक रूप से इसमें और तेजी आएगी। धरना का जब ऐलान बीजेपी ने कल किया था राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद, तब कांग्रेस ने भी ये सवाल खड़े किए हैं। एक तो धरने पर ये सवाल खड़ा किया कांग्रेस ने, साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूर्ण शराबबंदी का वादा बीजेपी ने भी किया था अपने कार्यकाल के दौरान लेकिन पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कोई घोषणा पत्र में बीजेपी नहीं डाला था, आपने घोषणा पत्र में डाला था, आपने वादा किया था और गंगा जल लेके राहुल गांधी आपके वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता
राहुल गांधी की उपस्थिति में भूपेश जी और टीएस सिंहदेव जी जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, महिलाओं के साथ वादा किया था और उसी आधार पर सरकार में बैठे हैं। सत्ता से उनको राहुल गांधी ने कहा था कि एक महीने के अंदर क्रियान्वयन नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं, डेढ़ साल हो गया क्यों नहीं बदला जा रहा है, डेढ़ साल हो गया क्यों नहीं बदला। तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर रमन सिंह से यह बातचीत हुई है या पूर्व मंत्री राजेश पुरत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले तो ये जो पोस्टर रखा है कि पोस्टर में शराब के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है घर घर की शराब, राज्य की दशा बिगाड़ी है, घर घर शराब बांटी है, क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से बीजेपी ने आज प्रदर्शन की शुरुआत की है, हालांकि पहले भी बीजेपी का एक पॉलिटिकल मुद्दा था, आने वाले दिनों पे ये सिनेरियो क्या? भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, आज उनके बीच में उस बात का संदेश दे रहे हैं कि आपके नेताओं ने, आपने गंगा जल लेकर ये कसम खाई थी इस प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश राज्य में हम शराबबंदी लागू कर देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम किसान को 2 साल का बोनस देंगे और आने वाले समर्थन मूल्य में 2500 रुपए देंगे। ये वादे वादे रह गए, ना संपत्ति कर कम हो पाया, ना डेवलपमेंट हो पाया। आखिर में सरकार किस दिशा में जा रही है, यह चिंतन का विषय। और जब ऐसी आपदा के अंदर पूरा देश के अंदर आम जनमानस जनता के साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक पॉलिटिकल दिशा नई दिशा की ओर जा रहे। सरकार के ऊपर लगातार हमने सरकार के माध्यम से या पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगातार कुछ न कुछ सुझाव दिए, लेकिन सुझाव को भी राजनीतिक रूप से ले ली। हजारों की संख्या में लोग पैदल चल करके आ रहे, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, आदमी पैदल चल रहा है। यहाँ जो ऑलरेडी सरकार है, सरकार को जन सहयोग मिल रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं, जन समिति भोजन बांट रही है, लेकिन सरकार को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। और इसलिए स्पष्ट मांग है कि सरकार जन सहयोग की जहाँ उपेक्षा करेगी, भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेगी। तो बीजेपी कह रही है बीजेपी सड़क पर उतर कर लड़ाई करेगी जहां पर जनता की उपेक्षा की जाएगी। बीजेपी का यह धरना चल रहा है और धरने के पीछे जरूर एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश पार्टी कर रही है कि जो वादा कांग्रेस ने किया था अपने मैनिफेस्टो में, उन वादों का क्या हुआ, किसानों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए, साथ ही साथ किसानों को जो टोकन दिया गया था कि धान खरीदी की जाएगी वो क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल हैं, तमाम सियासी सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा है। साथ ही साथ ये कहा है कि सड़कों पर बीजेपी का ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी नए स्वरूप में चलता रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आशीष, ये धरना प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलने वाला है, इसलिए आप नजर जरूर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए।